हेलो गाइस एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को पूरे एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि व्हाई यू आर लिविंग थ्रू द मोस्ट हिस्टोरिक क्रिप्टो इवेंट ऑफ ऑल टाइम। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये क्रिप्टो के टाइम का अभी तक सबसे ज़्यादा एक हिस्टोरिक इवेंट होने वाला है, ऐसा सारे एक्सपर्ट्स का। और जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ उसकी वजह से मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। क्या आपको पता है कि 2015 से 2015 से इथेरियम मर्ज जो है, इथेरियम मर्ज जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात की है, वो पोस्टपोन हो चुका है। कितनी बार पोस्टपोन हुआ है? वो हुआ है 6 बार पोस्टपोन हुआ है गाइस। अब ये मर्ज क्या करता है? मर्ज जो है ये इथेरियम का जो यूसेज है उसको रिड्यूस करता है। और अब इस मर्ज की जो बात हो रही है इसके लिए बोला जा रहा है कि जो ये इथेरियम मर्ज है वो इथेरियम के पावर यूसेज को 99% तक रिड्यूस कर देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मूव हो रहा है फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको काफ़ी डिटेल में बात की थी, आप अगर चैनल पर जाएंगे और उस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझा रखा है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि इस मर्ज की डेट जो है वो फाइनलाइज नहीं हो रही थी, पर अब जो इथेरियम के कोर डेवलपर्स हैं उन्होंने इसकी डेट फाइनलाइज कर दी है और वो उन्होंने बताई है मिड ऑफ सेप्टेम्बर। इसीलिए आप देखेंगे कि इथेरियम के प्राइस में हमें जो हाइक देखने को मिल रहा है बहुत ही तेजी से, वो और किसी भी करेंसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, भले ही वो हो बिटकॉइन जो कि उससे एक रैंक ऊपर आता है। अगर आपने थोड़ा सा भी नोटिस किया हो तो इथेरियम जो हाइक हुआ है, इथेरियम का वो अराउंड 80% तक हाइक हुआ है जब से लूना का क्रैश हुआ है 3 महीने पहले, उसके बाद की मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। पर दुनिया के काफ़ी हिस्सों में अगर आप न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो जो लोगों को एक्साइट कर रही है बात, वो एनर्जी सेविंग इतना नहीं कर रही है, जबकि जो एक्साइट कर रही है वो है टोकनॉमिक्स। अब इस मर्ज से क्या होगा, जो माइनर्स होते हैं ठीक है, वो इस पूरे सीन से, इस इक्वेशन से पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। इससे क्या होगा, जो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लॉक रिवॉर्ड्स होंगे वो इंट्रोड्यूस होंगे, और जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा ईथ है वो बहुत ज़्यादा ईथ यानी इथेरियम विल बी इनटू सर्कुलेशन। करेंटली अगर आपको पता हो तो 12,800 ईथ यानी इथेरियम आर बीइंग प्रोड्यूस्ड पर डे। बट अगर ये हो जाता है मर्ज सक्सेसफुली, जो कि पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि हो ही जाएगा मिड सितंबर में, तो इट विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ईथ बाई 10 times, मेकिंग इट टू 1,280 ईथ बीइंग प्रोड्यूस्ड पर डे, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 3 bitcoin हाविंग्स। अगर आपको पता हो कि जब भी bitcoin हाविंग होती है तो प्राइस में कितना अच्छा पंप आता है, यहाँ पे अगर इतना रिड्यूस हो गया ईथ का प्रोडक्शन तो विच इज़ इक्विवेलेंट टू 3 bitcoin हाविंग्स, तो हमें ईथ के प्राइस में कितना ज़्यादा पंप देखने को मिल सकता है। और पता है उसको क्या बुलाया जाएगा? ट्रिपल हाविंग्स। तो अब क्विकली मैं आपको इथेरियम का प्राइस डॉलर्स में ट्रेडिंग व्यू पे और वजीरएक्स में INR में शो कर देता हूँ। चलिए चलते हैं सिस्टम की तरफ। तो करंट प्राइस इस वक्त चल रहा है इथेरियम का $1,835, और एज एक्सपेक्टेड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ ये येलो लाइन आ रही है यानी कि 200 EMA एवरेज लाइन आ रही है, वहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है उसके आसपास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्राइस में सीधा एक डाउनफॉल आने लग रहा है। अब यहाँ पे अगला एक्शन क्या होगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है इथेरियम का, बट आई थिंक एक और जो सपोर्ट जोन है जो कि है, यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं ये वाला, तो यहाँ पे भी इथेरियम को सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से एक ये रिवर्सल ले सकता है ठीक है। अब क्विकली इसका प्राइस देख लेते हैं वजीरएक्स में, इथेरियम पे चलते हैं। एग्जैक्टली 1.5 lakh यानी 1.5 lakh इसका INR में प्राइस है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर प्रेस करना और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।